नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के लाइव सेशन में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग यूथ साइंस का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को हम लोग कवर किए हैं। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों वह क्या है, कार्बन। ठीक है, कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्या करेंगे कवर करेंगे। इससे जो भी प्रश्न बनता है एग्जाम में उस चीज को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, कार्बन को कवर करेंगे। तो पहले प्रश्न की हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान देना है कार्बन क्या हम लोग बात करें। देखिए, कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है। कार्बन द्वारा जो प्रदर्शित श्रृंखला गुण है, ठीक है, वह किस चीज को मतलब दर्शाता है। तो एक चीज आप याद रखिएगा, कार्बन से जो रिलेटेड जो फैक्ट है, पॉइंट है, कार्बन में जो श्रृंखलन की जो गुण है वह सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है, कार्बन में श्रृंखलन की गुण क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है दोस्तों। और यही कारण है, और यही कारण है कि कार्बन मतलब कह सकते हैं बहुत एक लंबी श्रृंखला बनाता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वर संयोजन क्षमता। तो कार्बन में ये चीजें है, कह सकते हैं कि कार्बन क्या करती है, बहुत लंबी एक श्रृंखला बनाती है। ठीक है, और ये हर कह सकते हैं हर पदार्थ में क्या होती है, ये कह सकते हैं कार्बन की मात्राएं क्या होती है, मौजूद होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 कितना होता है, 6 होता है। और कार्बन है वो क्या है, पी ब्लॉक से संबंधित है। कार्बन किससे संबंधित है, पी ब्लॉक से संबंधित है। ठीक है, कार्बन एक क्या है, अधातु है। कार्बन क्या है, एक नल मेटल है। तो ये भी चीजें आप क्या कीजिए, याद रखिए दोस्तों, क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है। किस तत्व का यहाँ पे कह रहा है कि कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है, तो हीरा। हीरा किसका अपरूप है दोस्तों, तो कार्बन का है। ठीक है, कार्बन का अपरूप क्या है, हीरा है। और वही क्या है, हीरा सबसे ज्यादा क्या है, कठोर क्या है, पदार्थ है, हार्डेस्ट मैटर इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो हीरा। और हीरा है वो किसका है, कार्बन का है, क्या है, अपरूप है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। कार्बन का इनमें से कौन सा गुण कार्बन यौगिकों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है। कार्बन का इनमें से कौन सा गुण है जो कार्बन यौगिकों की, ठीक है, कार्बन यौगिकों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायित्व है। हम लोग कह सकते हैं तो कार्बन में जो श्रृंखलन का गुण है, यही क्या इसका मेन फैक्टर है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, श्रृंखलन गुण और चतुसंयोजकता। ठीक है, कार्बन में जो चतुसंयोजकता होती है वह इसकी क्या है, कह सकते हैं। आकाश कुमार पल, जय हिंद सर, जय हिंद। चलिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे हम लोग कथन को पढ़ते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है दोस्तों। तो ऑप्शन ए कहता कि कार्बन एक उत्कृष्ट गैस है ना, ये कहना क्या है, गलत है। कार्बन एक उत्कृष्ट गैस न है दोस्त। ठीक है, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। कार्बन प्रकृति में उपधातु है, ये भी कहना क्या है, गलत है। ठीक है, कार्बन उपधातु नहीं है दोस्तों, कार्बन क्या है, अधातु है। क्या है, कार्बन क्या है, अधातु है। अगला हम ऑप्शन देखते हैं, कार्बन प्रकृति में धातु है, यह भी कहना क्या है, गलत है। कार्बन धातु नहीं है, कार्बन बल्कि क्या है, अधातु है। अगला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, कार्बन प्रकृति में अधातु है, यह कहना क्या है, करेक्ट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है, क्लियर है। अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। फुलवीन में कितने कार्बन परमाणु फुटबॉल की आकृति जैसी संरचनाओं में व्यवस्थित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा प्रश्न यहाँ पे, बात किसकी किया जा रहा है, फुलरीन की। किसकी बात यहाँ पे किया जा रहा है, फुलरीन में कितने कार्बन परमाणु फुटबॉल की आकृति जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो C60 है दोस्तों, ठीक है, C60 जो है बहुत फेमस है, यह क्या फ्लोरीन का ही कह सकते हैं, क्या है, स्ट्रक्चरल है, कह सकते हैं क्या है, फॉर्मूला है। तो C60, तो हम लोग कह सकते हैं उसमें क्या थी, कार्बन के 60 परमाणु होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब इसका जो फुलरीन नाम पड़ा, यह किस पे नाम पड़ा, तो बंकमिंस्टर फुलरीन के नाम पर, क्या इसका नाम पड़ गया, फुलरीन नाम पर गया। तो हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न के लिए बात करते हैं कि कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। कार्बन के किस अपरूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है दोस्तों। तो कार्बन के अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ठीक है, तो ग्रेफाइट का उपयोग किसमें किया जाता है, स्नेहक के रूप में। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेफाइट का उपयोग किसमें किया जाता है, स्नेहक के रूप में किया जाता है। ठीक है, परमाणु भट्टी में। ठीक है,
परमाणु भट्टी में इसका उपयोग किसमें किया जाता है, स्नेहक के रूप में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कार्बन के इनमें से किस यौगिक की पिंजरे जैसी संलयित वलय संरचना होती है जो सॉकर बॉल मतलब फुटबॉल की तरह सदृश होती है। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कह रहा है क्या कि कार्बन के इनमें से किस यौगिक की पिंजरे जैसी संरचना होती है जो नॉर्मली जो होती है वह किस होती है, फुटबॉल के स्ट्रक्चर का, ठीक है, सॉकर बॉल के सदृश होती है। तो अभी हम लोग जिक्र कर ही रहे थे दोस्तों, ये जो कार्बन का जो C60 है, क्या है कार्बन का जो C60 फॉर्मूला है दोस्तों, इसकी अगर हम लोग शेप की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो यह फुटबॉल की तरह होती है। क्या होती है यह, क्या होती है, फुटबॉल की तरह होती है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा C60 फुलरीन। क्लियर है, C60 फुलरीन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। इसकी स्ट्रक्चर, इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो यह फुटबॉल के समान होती है। क्या होती है, फुटबॉल के समान होती है। विनीत कुमार का आंसर क्या है, डी है, जो कि यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। अगले प्रश्न की यहाँ पे बात किया जा रहा है कि निम्न से कौन है जो कार्बन की क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन कार्बन का यहाँ पे क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर मोतीलाल जी, गुड इवनिंग सर, उड़ीसा संबलपुर, गुड इवनिंग टू यू। चलिए यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्न से कौन सा कार्बन की क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। प्रश्न यहाँ पे यह कह रहा है दोस्तों, तो उत्तर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कार्बन का इनमें से कौन कह रहा है पे कौन क्रिस्टलीय फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं है, क्रिस्टल। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो कोक है, क्या है दोस्तों, ये जो कोक है, बहुत बढ़िया। विनीत कुमार का आंसर क्या है, बी है, जो कि यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कोक का स्ट्रक्चर क्रिस्टल की तरह नहीं होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमें कहता है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है और हमें बताना है कि कौन इसमें से सही स्टेटमेंट है, यह हमें बताना है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कहता है कि ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या कुचालक होता है, नहीं दोस्तों, ग्रेफाइट क्या होती है, विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, तो सुचालक होता है, यह ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है, यही ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ग्रेफाइट क्या होती है, सुचालक। क्या होती है दोस्तों, ग्रेफाइट क्या होती है, सुचालक। ग्रेफाइट क्या होती है, सुचालक। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, मोतीलाल जी का आंसर क्या है, डी आ रहा है, दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया दोस्त, ठीक है, ऑप्शन कथन वन तो गलत हो गया, तो यहाँ पे क्या है ना, गलत है, ठीक है। अगले ऑप्शन में बढ़ते हैं, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणुओं समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ संयोजी बंध बनाकर जुड़ा होता है, जिसे एक षटकोणीय सारणी का सारणी बनती है। ये कहना करेक्ट है, ठीक है, यह ऑप्शन सही होगा, लेकिन यह स्टेटमेंट गलत है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक नहीं दोस्तों, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होती है। तो हम लोग कह सकते हैं पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फाइंड है। तो ऑप्शन हम लोग कह सकते हैं कि कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा मोतीलाल जी, ठीक है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे, ना कि ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ग्रेफाइट क्या होती है, विद्युत का क्या होती है, सुचालक होती है, ठीक है। जो पेंसिल होता है, पेंसिल में क्या, पेंसिल क्या होती है, पेंसिल नॉर्मली किसका बनाता है, ग्रेफाइट का। क्या होता है, पेंसिल में जो होती है रॉड होती है, रॉड टाइप होती है, वो क्या ग्रेफाइट का होता है। तो क्या पेंसिल से इलेक्ट्रिक नहीं आज वहां ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक क्या होती है, ट्रेवल करती है, तो वो क्या होती है, विद्युत का सुचालक होती है। ये कुचालक कहना गलत है, कुचालक मतलब होता है, कह सकते हैं बैड कंडक्टर। क्या होती है, बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर मतलब जहां से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, पार ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे। जहां से इलेक्ट्रिसिटी पार ना हो, उसे कुचालक कहेंगे, ठीक है। जिसे कह सकते हैं हम लोग रबर, रबर से क्या इलेक्ट्रिक पार होता है, नहीं होता है, तो रबर क्या है, विद्युत का क्या है, कुचालक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। किस अधातु का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है, नॉर्मल सा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि किस अधातु का अपरूप है वह क्या होती है, विद्युत का सुचालक होता है। अभी हम लोग इस क्वेश्चन का जिक्र कर ही रहे थे दोस्तों, और इसी टाइप का ये क्या है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। नॉर्मल सा प्रश्न यहाँ पे है, किस अधातु का जो अपरूप है वह क्या है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का गुड कंडक्टर है। मोतीलाल जी का आंसर क्या रहा है, ए आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, ये जो कार्बन का, कह सकते हैं कार्बन का अपरूप क्या, ग्रेफाइट। किसकी बात करें हम लोग, कार्बन की अपरूप, अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का क्या है, एक अच्छा कंडक्टर है, क्या है, एक गुड कंडक्टर है। कौशल कुमार सर, मैं आपको फैन है सर, चलिए बहुत अच्छा, उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
ठीक है सर, मैं आपका फैन है सर। अगला प्रश्न यहाँ पे करते हैं, ठीक है, किस धातु का प्रूफ विद्युत का सुचालक होता है? तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कार्बन का जो प्रूफ ग्रेफाइट है दोस्त, यही क्या है, विद्युत का क्या है, सुचालक है, मतलब विद्युत का क्या है, गुड कंडक्टर है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है विद्युत क्या होती है यहां से वहां पार हो सकती है। जैसे नॉर्मली जो पेंसिल होता है तुक्का मार सकते हैं क्या सर? एकदम मार सकते हैं, ठीक है, तुक्का मार सकते हैं एकदम, क्यों नहीं मार सकते हैं, लेकिन तुक्का देखिए कि आपका कहां तक क्या होता है सही होता है, आप अपना सिक्स सेंस का यूज कीजिए, ठीक है, सिक्स सेंस का क्या कीजिए, अपना यूज कीजिए। लेकिन नॉर्मली जो पढ़ाई में मेहनत होता है, क्या होती है, पढ़ाई जो होती है एजुकेशन, उसमें मेहनत होता है ना कि सिक्स सेंस, तो मेहनत है, मेहनत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रयास कीजिए आपका क्या सही हो जाए तो ठीक है, अच्छा बात है, ठीक है, नहीं सही हुआ तो सीखेंगे, ठीक है, तो तुक्का मारिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, लेखन पेंसिल में डैश है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, नॉर्मल सा प्रश्न यहाँ पे कि लेखन पेंसिल जो हम लोग पेंसिल से जो लिखते हैं उसमें क्या होती है, यह पूछा जा रहा है, बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग कह सकते हैं लेखन पेंसिल में डैश किसका उपयोग किया जाता है, चलिए विनीत कुमार का आंसर क्या है, डी है, ग्रेफाइट का है, चलिए बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, तो डी हम लोग कह सकते हैं, ग्रेफाइट यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर मोती, मेरे गुरु जी का ब्रेन यूज करता हूं मैं तो गुरु जी का ब्रेन यूज करता हूं, एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया। मोतीलाल जी का आंसर क्या है, डी है। कौशल कुमार का भी आंसर क्या है, डी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार बहुत जबरदस्त। तो ग्रेफाइट यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है, एकदम एनर्जी के साथ दोस्तों, एकदम एनर्जी के साथ एकदम क्या करना है, एकदम पढ़ाना है। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश होती है। अब ये जो हीरा है, हीरा के जो बाहरी कोष है, आउटर सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होती है यह पूछा जा रहा है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। मोतीलाल भाई जी का आंसर क्या रहा है, जीरो जीरो आ रहा है, क्या जीरो, शून्य, चलिए जानने का हम लोग प्रयास करते हैं कि क्या सच में जीरो होगा। तो देखिए कार्बन के परमाणु के बाहरी कोष, तो कार्बन के अगर हम बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, छह, क्या होती है, छह। विनीत कुमार का आंसर क्या है, सी है, चार है, चलिए बहुत बढ़िया। मैं आपको और नीतीश सर से पढ़कर बड़ी भाग्यशाली हूं, चलिए बहुत अच्छा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, सी और क्या है यहाँ पे, कार्बन के यहाँ पे कैसे है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, अगर इसकी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, आउटर सेल की बात करें, तो पहला सेल में क्या होती है, दो इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा सेल में क्या होगी, चार इलेक्ट्रॉन होगा, तो दो और चार क्या हो गया, छह हो गया दोस्तों। तो हम लोग कह सकते हैं इसके आउटर सेल में क्या होती, चार होगी, क्या होगी, चार होगी, तो ऑप्शन सी यहां पे क्या होगा, करेक्ट होगा, बहुत बढ़िया, जो कि विनीत कुमार का ऑप्शन सी आ रहा था, तो सी यहां पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है, ना कि शून्य, तो शून्य कहना क्या होगा, गलत होगा। कार्बन के जो बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होती है, चार इलेक्ट्रॉन होती है, तो ऑप्शन सी यहां पे क्या होगा, हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, डैश का, डैश कार्बन का एक अपरूप नहीं है। अब नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट यहां पे, कौशल कुमार का भी आंसर सी आ रहा था, जो कि यहां पे क्या था, सही उत्तर था, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न यहां पे कह रहा है कि कार्बन का एक अपरूप नहीं है, कौन इसमें से कार्बन का अपरूप नहीं है। विनीत कुमार का आंसर तो आ गया है, विनीत कुमार का आंसर क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। कौशल कुमार का भी आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बहुत अच्छा, तो बी पर क्या करें, लॉक कर दे। मोतीलाल जी का आंसर ए आ रहा है, क्या मोतीलाल जी, क्या बंक मिस्टर फुलरीन, फुलरीन भी तो कार्बन का ही अपरूप है C60, ठीक है, फुलरीन भी तो कार्बन का ही अप्रूप है, फुलरीन है C60, ये किसका, कार्बन का ही अप्रूप है, हीरा भी कार्बन का अप्रूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अप्रूप है, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, ये कार्बन का अप्रूप ना होकर कार्बन का ये क्या कंपाउंड है, कार्बन का क्या है ये कह सकते हैं, कार्बन का ये क्या है, कंपाउंड है ना कि अप्रूप है, तो अप्रूप कहना कंपाउंड कहना अलग है। चलिए उसके बाद राजेश पासवान है, उनका आंसर भी क्या है, बी आ रहा है, जो कि यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, क्लियर है दोस्तों। तो यहां तक क्या हुआ, क्लियर होगा, ठीक है, ये जो बंक मिस्टर फ्लोरीन है, हीरा है, ग्रेफाइट, ये सभी कार्बन का अपरूप है, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन का अपरूप ना है, कार्बन का यौगिक है, कार्बन का कंपाउंड है, क्लियर है, सॉरी सर बी, कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है, ठीक है, लव यू सर, लव यू टू बाबू, ठीक है, लव यू टू कौशल। अगले प्रश्न क्यों पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात कठोरतम पदार्थ है। अगला प्रश्न यहां पे कहता है, नॉर्मल सा प्रश्न यहां पे, निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात कठोरतम तत्व है, ठीक है, सबसे हार्डेस्ट इलेमेंट इन द वर्ल्ड, हार्डेस्ट मैटर की बात कर रहा है, ठीक है, हार्डेस्ट मैटर की बात कर रहा है यहां पे, बताना इसका उत्तर क्या, मोतीलाल जी का आंसर क्या आ रहा है, सीआर है, विनीत कुमार का आंसर भी क्या आ रहा है, सीआर है, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर ये जो हीरा होती है, क्या होती है,
हीरा है दोस्तों, हीरा की जिस तरह के उस हीरा का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो उसको सबसे ज्यादा क्या होती है, कठोरता प्रदान करती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो हीरा है सबसे कठोर पदार्थ है वर्ल्ड में, ठीक है, विश्व सबसे। खुशी सी का भी आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है, जो कि यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, चलिए बताना कि सबसे कॉन्सेप्ट, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। कौशल सिंह, कौशल कुमार, आप बिहार में नंबर वन टीचर है सर, बहुत अच्छा। चलिए, ये सब तो आपका आशीर्वाद है, आप सभी का आशीर्वाद है, ठीक है। गुरुजी भी तो हीरो हेरा जैसे हो हमारा गुरुजी, अच्छा गुरुजी भी तो हीरा जैसे हमारा, ऐसा ये कहना है मोतीलाल जी का, एकदम। चलिए, मोतीलाल जी का आंसर क्या है, ए है, कठोर पदार्थ, बहुत बढ़िया। कौशल कुमार का भी आंसर क्या है, ए है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ये जो हीरा है, हीरा क्या है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो ऑप्शन है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। विनीत कुमार का आंसर भी क्या है, ए है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि ये यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है, हीरा सबसे क्या है, कठोरतम पदार्थ है, क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। डैश आग बुझाता है, डैश खाली स्थान आग बुझाता है। अब नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है और बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कह रहा है कि आग बुझाता है कौन, किसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। मोतीलाल जी का आंसर क्या रहा है, CO2, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, CO2 यहाँ पे आ रहा है। राजेश पासवान जी का आंसर क्या रहा है, बी आ रहा है, CO2 आ रहा है। और विनीत कुमार का आंसर बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। खुशी सी का भी क्या आ रहा है, CO2 आ रहा है, जो कि यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लागू होता है, कि कैसे यह आग को बुझाता है। तो ध्यान देना दोस्तों, इसे जलने के लिए, ठीक है, जलने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ क्या हो सकती है, कोई वस्तु क्या होगा, जल सकता है। तो जलने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आग को बुझाना है, ठीक है, आग को बुझाना है, तो आग के बुझाने में हम क्या चाहिए, CO2। अब क्या कॉन्सेप्ट समझना है, देखिए ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, O2 की बात करें, तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होगा, 32, क्या होगा इसका, 32 होता है, ठीक है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की द्रव्यमान की बात करें, तो कार्बन का क्या होगा यहाँ पे, 12, क्या होगा, 12 + 32, तो क्या होगा, 44 होगा, क्या होगा, 44 होगा। ये इसकी क्या है, एटॉमिक मास है। तो अब आप समझना है, ये 32 ग्राम का, ये 32 इसका एटॉमिक मास है, इसका 44 एटॉमिक मास है। तो जब आग जब लहक रहा होता है दोस्तों, तो जब आग लहक रहा होता है, तो उसपे हम लोग ये 44 एटॉमिक मास वाला वहां पर रखते हैं, तो ये 32 वाला वहां से हट जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन वहां से क्या होती है, हट जाती है। जब हम लोग CO2 उस पर गिराते हैं, तो ऑक्सीजन वहां से हट जाती है, और ऑक्सीजन एक सेकंड के लिए भी जाता, तो आग क्या होता है, मुझ जाता है, आग जो जलना होता है वो क्या होती है, रुक जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट है, क्या है, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझना है कि जलने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन, और जो आग को मुझाना है उसके लिए क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या कंडीशन समझना है, देखिए दोस्तों, जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा एटॉमिक मास होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वहां पे अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, तो वहां से ऑक्सीजन को हटा देता है, वहां से ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है, और इसीलिए वो आग जलना क्या होती है, बंद हो जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट है। सर आप पटना से पढ़ाते हैं, नहीं हम लोग जहानाबाद से हैं, ठीक है, बिहार जहानाबाद से है, ठीक है। आप बताइए आप कहां से हैं, कौशल कुमार। अब यहाँ पहला प्रश्न कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सर हम ओडिशा संबलपुर से है, एकदम, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मोतीलाल जी का आंसर क्या है, बी है। विनीत कुमार का आंसर क्या है, ए है। चलिए, तो ऑप्शन को हम लोग जानते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। खुशी सी का आंसर क्या है, विकल्पों में सही। तो हम लोग जानते हैं कौशल कुमार यूपी से, सर अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, यूपी तक हमें देखा जा रहा है, इसके लिए हम क्या मतलब, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद है आपका, शुक्रगुजार है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है विकल्पों में सभी सही है, तो पहले विकल्पों को पढ़ते हैं और जानते हैं। तो देखिए ऑप्शन, यह जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। हाँ, ये कहना एकदम क्या करेक्ट है। राजेश पासवान का आंसर क्या है, डी है, यह मानव के लिए हानि रहित है। हाँ, ये भी कहना सही है, ठीक है, मानव के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, मतलब कहते हैं हानिपुल है, हार्मफुल है, क्या है, हार्मफुल है, ये भी है। तो क्या है, कौन सा कथन सही है, यह एक दुर्गंधयुक्त गैस है, यह मानव के
लिए हानि रही थे। ये हम लोग कह सकते हैं कि इसमें सभी जो ऑप्शन है वह क्या है, सही है। इनमें सभी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जीवाश्म ईंधन अगर अच्छा से नहीं जल पाता है तब वो क्या होती है, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैस है। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, बहुत जहरीली गैस है दोस्तों। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मोतीलाल जी का आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बी भी होगा और यहाँ पे डी भी होगा। ठीक है, ये मानव के लिए हानि रहित, अच्छा सॉरी मिस्टेक है, सॉरी यहाँ पे ध्यान देना, हानि रहित की बात कर रहा है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हानि रहित की बात कर रहा है दोस्तों, मतलब यहाँ पे कह रहा है हार्मलेस, हार्मलेस कह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हार्मलेस नहीं है, हार्मफुल होगा। क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने में मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे हार्मलेस यहाँ पे कह रहा है, तो हार्मलेस मतलब क्या, हानि नहीं हमें पहुंचाती है, नहीं ये हार्मफुल है, मतलब हानि पहुंचाती है। तो ये ऑप्शन कहना क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, यह दुर्गंधी गैस से, यह भी कहना क्या गलत है, इसका कोई दुर्गंधी नहीं है। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे बस ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि मोतीलाल जी का आंसर क्या आ रहा, बी आ रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है, मोतीलाल जी गोपालपुर उड़ीसा में है क्या, देखिए इसमें ना यहाँ पे ऑप्शन बी होगा करेक्ट। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हानि रहित कह दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे हार्मफुल रहता, हानि वाला रहता, तब यहाँ पे क्या होता, सही होता। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ए नहीं गुरु जी, ये नहीं होगा गुरु जी, एकदम करेक्ट है, ये नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, मोतीलाल जी का आंसर बी आ रहा था, बहुत अच्छा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ठीक है, तो बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, यह जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसे जीवाश्म ईंधन होती है, जीवों का जो अंश होती है, जीवों का जो अंश होता है उसमें वो पूरा से ठीक से जल नहीं पाता, तो उसमें क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, खुशी सिंह ओ, हाँ मिस्टेक इसमें थोड़ा सा है। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गया। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, नॉर्मल सा प्रश्न यहाँ पे, कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर एक बड़े बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता है, क्षमता रखता है। तो ये जो कारनामा कर सकता है, ये जो विशेषता है, वह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जो बहुत हाईलाइटेड एलिमेंट है। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे विनीत कुमार का आंसर क्या है, सी है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये विशेषता दोस्तों कार्बन की है, ये विशेषता किसकी है, कार्बन की है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कार्बन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कौशल कुमार का आंसर भी क्या है, सी आ रहा है, जो कि यहाँ पे कार्बन करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। खुशी सिंह का आंसर क्या है, कार्बन है, जो कि यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कार्बन की जो सबसे विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता है कि कार्बन एक लंबी श्रृंखला बना सकता है, और कह सकते हैं कि ये इसका अधिक, जैसे अगर हम बात करें सबसे ज्यादा अगर यौगिक है तो वो कार्बन का है। ठीक है, सबसे ज्यादा यौगिक किसका है, कार्बन का ही है। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर हम लोग, शुष्क बर्फ क्या है, नॉर्मल सा प्रश्न यहाँ पे है और बहुत ही प्यारा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, बस कह रहा है कि शुष्क बर्फ किसे हम लोग कहते हैं, बहुत बढ़िया। मोतीलाल जी का आंसर क्या आ रहा, सी आ रहा था, जो कि करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि शुष्क बर्फ क्या है, नॉर्मल सा प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो सॉलिड स्ट्रक्चर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसी का दूसरा नाम क्या है, शुष्क बर्फ है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कौशल कुमार का आंसर क्या है, सी है, ना सी नहीं होगा, -50 डिग्री कार्बन पर जमी बर्फ, ये कहना गलत है। ठीक है, ये कहना क्या होगा, गलत होगा। मोतीलाल जी का आंसर क्या है, ए है। खुशी सिंह का आंसर क्या है, ए है। राजेश पासवान उनका आंसर क्या है, ए है। तो ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है, मतलब जिसका कह सकते हैं, जिसकी मतलब कह सकते हैं, जो जिसका यौगिक सब में मौजूद हो सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। मोतीलाल जी का आंसर क्या है, कार्बन है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग कह सकते हैं कार्बन की यह विशेषता है दोस्तों, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। खुशी सी का भी आंसर क्या है, कार्बन है, बहुत बढ़िया। तो सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, मतलब विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकते हैं, मतलब क्या समझ रहे हैं आप, तो कार्बन के सबसे ज्यादा यौगिक है पृथ्वी पर, अगर हम लोग बात करें कि कार्बन का सबसे ज्यादा यौगिक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग, कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप धातु कर्म में अपचायक माध्यम के रूप में कार्य करता है। नॉर्मल सा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप धातु कर्म है जो अपचायक के रूप में काम करता है। अपचायक की बात कर रहा है पे, तो अपचायक की बात अगर हम लोग करें तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, अपचायक की बात कर रहा है, मतलब
मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर खुशी सी का आंसर क्या कोक है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो कोक है क्या दोस्तों, एक कोक है या क्या दोस्तों, एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्या था कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। खुशी सी का आंसर ए आ रहा था जो कि यहाँ पे क्या था, करेक्ट आंसर था दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि कौन इसमें कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है, तो बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि कार्बन का यहाँ पर संयुक्त रूप नहीं है दोस्तों, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि कार्बन का इसमें से कौन एक संयुक्त रूप नहीं है। चलिए, राजेश पासवान का आंसर क्या है, चौक है। चलिए, बहुत अच्छा, मार्बल है ऑप्शन सी यहाँ पे, हीरा है ऑप्शन डी, यहाँ पे क्या है डोलोमाइट है। चलिए, मोतीलाल जी का आंसर क्या, हीरा, कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है, नहीं की बात किया जा रहा है। चलिए, नहीं की बात किया जा रहा है यहाँ पे दोस्तों, तो नहीं की बात किया जा रहा है यहाँ पे। चलिए, बहुत बढ़िया, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कार्बन का रूप नहीं है। नीतीश सर, आप सर यूपी में सेमिनार लगाइए सर, एकदम लगाएंगे, अवश्य लगाएंगे। ठीक है, आप सभी का आशीर्वाद रहा तो अवश्य यूपी में सेमिनार लगेगा दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन का संयुक्त रूप नहीं की बात ना कर रहा है, नहीं की बात कर रहा है दोस्तों, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ये चौक है, क्या है दोस्तों, चौक है, यह कार्बन का कोई अप्रूप यह संयुक्त रूप नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्लियर है, हीरा तो नहीं होगा। ठीक है, हीरा कैसे होगा, कार्बन का संयुक्त रूप तो हीरा है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग, डैश कार्बन का एक रूप नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि डैश कार्बन का नहीं है। गुरुजी ऐप पर क्लास कब होगा, गुरुजी एकदम होगा। देखिए, अभी हम लोग क्या एक ऐप हम लोग का जो बन के एकदम रेडी हो गया है, जल्दी कुछ दिन बाद हम लोग क्या बैच स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कार्बन का एक रूप नहीं है, कार्बन का एक रूप नहीं है, क्वेश्चन एकदम पढ़ना है एकदम नॉर्मली आसान तरीके से। ठीक है, तो कह रहा है पे डैश कार्बन का एक रूप नहीं है, कौन इसमें से कार्बन का एक रूप नहीं है। विनीत कुमार का आंसर क्या है, बी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ये जो सिलिकॉन है क्या है, सिलिकॉन कार्बन का रूप नहीं है। ठीक है, सिलिकॉन है जो कार्बन का रूप नहीं है, बाकी हीरा है, क्लोरीन है, ग्राफीन है, ये सभी किसका है, कार्बन का ही एक रूप है। ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या खुद में क्या है, स्वतंत्र है। क्या है सिलिकॉन, क्या है एक अलग तत्व दोस्तों, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14, क्या होता है, 14 होता है। ठीक है, सिलिकॉन एक क्या है यहाँ पे उपधातु, क्या है उपधातु है। राजेश पासवान का क्या आंसर, डी आ रहा है, डी नहीं दोस्तों। ठीक है, डी नहीं होगा। ठीक है, डी है ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट से ही बन जाता है ग्राफीन, तो कार्बन का ही अप्रूव हुआ ना, ग्रेफाइट से ही बन जाता है ग्राफीन, तो कार्बन का अप्रूव हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं पर सिलिकॉन है जो कार्बन का रूप नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। कौशल कुमार सर ऐप पर, सर आप पर क्या, चलिए, मोतीलाल जी का आंसर क्या है, बी है, सिलिकॉन है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, तो खुशी सी का आंसर क्या है, बी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, विनीत कुमार का यहाँ पे क्या है, कैसे आंसर क्या है, चलिए, विनीत कुमार, यस सर, मोतीलाल भाई, मोतीलाल जी क्या, बी, बी यहाँ पे क्या करेक्ट है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग, ग्रेफीन क्या है, चलिए, नॉर्मल सा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि ग्रेफीन क्या है, बताना है ग्रेफीन क्या है दोस्तों, ग्रेफीन यहाँ पे क्या है, क्या है नॉर्मल सा प्रश्न यहाँ पे। अभी हम लोग इस चीज को जिक्र कर चुके हैं, ग्रेफीन क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है, ग्रेफीन क्या है दोस्तों, कार्बन का ही क्या है, एक अप्रूप है, क्या है, कार्बन का ही क्या है, अप्रूप है। ठीक है, जो ग्रेफाइट से बनता है। ठीक है, ग्रेफाइट को थोड़ा सा अगर हम लोग चर्चा करें तो ग्रेफाइट का क्या है रूप है, कौन, ग्रेफीन, क्या है, ग्रेफीन है, और तो ये क्या है, कार्बन का अप्रूप है। मोतीलाल जी का आंसर क्या है, एक लोकप्रिय ग्राफिक सॉफ्टवेयर, क्या नहीं ना, देखिए ग्राफीन कोई सॉफ्टवेयर नहीं दोस्तों। ठीक है, ग्राफीन कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ग्राफीन क्या है, कार्बन का एक अप्रूप है। ठीक है, कार्बन का क्या है, एलोट्रोप से, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। खुशी सी का आंसर क्या है, ए है, जो कि ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। राजेश पासवान का भी आंसर क्या है, ए है, जो कि ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि जल और अन्य पदार्थों से रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंधों को अधिशोषित, अच्छा थोड़ा सा दिक्कत हो गया दोस्तों। ठीक है,
तो हम लोग कह सकते हैं ग्राफीन है वह क्या है, कार्बन का ही अपरूप है। ठीक है, मोतीलाल जी का क्या है, बी है, बी है, बहुत अच्छा। चलिए कहां पे थे हम लोग दोस्तों, कौन से प्रश्न में हम लोग थे, यहां पे थे हम लोग। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे एक प्रश्न कह रहा था कि जल, ठीक है, यहां पे कह रहा क्या कि जल और अन्य पदार्थों से रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंधों को अधिशोषित करने के लिए कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपरूप का उपयोग किया जाता है। तो कार्बन का किस अपरूप का उपयोग किया जाता है, जल। ठीक है, जल जैसे अन्य पदार्थों में रंगीन अशुद्धियों को बुरी तरह कह सकते हैं अधिशोषित करने के लिए किस का उपयोग किया जाता है। कौशल कुमार का ऑप्शन क्या है, बी है, चारकोल है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर जो चारकोल का उपयोग किसमें किया जाता है, तो रंगीन पर रंगीन अशुद्धियों और बुरी कह सकते हैं बुरी गंदी रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंधों को अधिशोषित करने के लिए अवशोषित करने के लिए किया जाता है। तो हम लोग कैसे चारकोल यहां पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी यहां पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं लोग। वह ठोस पदार्थ, प्रश्न यहां पर कहता है वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य रूप शुष्क बर्फ है। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कह रहा वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम क्या है, शुष्क बर्फ है, जिसका सामान्य नाम क्या है, शुष्क बर्फ है। खुशी सी का आंसर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। चलिए यहां पे शुष्क बर्फ की बात किया जा रहा है, हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप सही दीजिएगा। ठीक है, विनीत कुमार का आंसर क्या है, सी है। बहुत बढ़िया, CO2। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि CO2 क्या होगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई आइस। क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राहुल यादव, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग टू यू। ठीक है, गुड इवनिंग टू यू राहुल। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम बात करें ऑप्शन की। तो देखिए CaCO3 यह बात करता है चूना पत्थर की। ठीक है, यह बात करता है चूना पत्थर की। ठीक है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड तो क्या है, एक विषैली गैस है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, खुशी सी का आंसर क्या है, सी है। राहुल राजेश पासवान का आंसर सी है, तो सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये कैल्शियम तो कैसे नहीं, कैल्शियम क्लोराइड है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, डायमंड हीरा की बात कर रहा है, तो हीरा में जो कार्बन का जो परमाणु है, ठीक है, वह किस बंध से बंधे होते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है दोस्तों। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि हीरा में कार्बन किस बंध से बंधे होते हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे कहता है कि 5 अन्य कार्बन परमाणुओं, ऑप्शन बी यहाँ पे कहता है 3 अन्य परमाणुओं, ऑप्शन सी यहाँ पे कहता है 2 अन्य कार्बन परमाणु, ऑप्शन डी यहाँ पे कहता है 4 अन्य कार्बन परमाणु। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन डी दोस्तों, ये जो कहता है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं। ठीक है, ये जो हीरा में कार्बन होती है वह क्या होती है, 4 अन्य परमाणु से क्या होती है, जुड़ा रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए, विनीत कुमार का आंसर क्या है, 3 कार्बन परमाणु से नहीं, हीरा होती है, कार्बन जो होती है। राजेश पासवान का क्या है, सी है, 2 अन्य कार्बन परमाणु से नहीं। जो एक डायमंड में तो कार्बन होती है वह क्या होती है, 4 अन्य परमाणु से क्या होती है, जुड़ाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रफ्तार यादव, गुड नाइट सर, गुड नाइट टू यू रफ्तार यादव। ठीक है, खुशी सी का आंसर क्या है, डी है, तो डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, रफ्तार यादव का भी आंसर क्या है, डी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, तो डी यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को करते हैं हम लोग। कार्बन द्वारा अन्य मजबूत बंध के गठन का एक कारण इसका डैश है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि कार्बन द्वारा जो मजबूत बंध, ठीक है, जो मजबूत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, उसका गठन का मेन और मेन कारण क्या है, यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कार्बन सबसे मजबूत बंध बनाता है दोस्तों। ठीक है, कार्बन सबसे ज्यादा मजबूत बंध बनाता है, उसका कारण क्या है, यह पूछा जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे दोस्तों,
चलिए तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, ये जो कार्बन की जो छोटी छोटी कह सकते हैं ये छोटा स्ट्रक्चर है वह क्या है दोस्तों, इसका मेन और मेन रीजन है, ठीक है, एक मजबूत बंध बनाने में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बहुत बड़ा कहना क्या है, गलत है, ठीक है। बहुत छोटा इसका क्या होती है, कह सकते हैं इसमें कह सकते हैं, इसमें कार्बन परमाणु क्या होती है, बंध से जुड़ा रहता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और खुशी सी का आंसर क्या है, सी है। तो सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है, ठीक है, मतलब ग्लोब के समान, ठीक है, भूगर्भीय ग्लोब के समान, ठीक है, ग्लोब के समान। चलिए नॉर्मल सा प्रश्न यहाँ पे, या फिर हम इसको फुटबॉल के समान भी कह सकते हैं, ठीक है, फुटबॉल के समान भी। बताना है किसका संरचना, किसका स्ट्रक्चर है, किस कार्बन के अपरूप का स्ट्रक्चर जो है वह क्या होती है, फुटबॉल के समान होती है। सर मैं आपका फैन है, फैन हूं सर, और 7 मिनट सर का भी, बहुत बढ़िया। चलिए क्या, अच्छा रफ्तार यादव का, रफ्तार यादव, सर मैं आपका फैन हो गया सर, और 7 मिनट सर का, बहुत अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया। विनीत कुमार का आंसर क्या है, सी है, फुलरीन है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर रफ्तार यादव का भी आंसर क्या है, एकदम सी है, रफ्तार यादव एकदम रफ्तार में क्या कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सी, सी को लॉक किया जाए सर, एकदम लॉक करते हैं। तो सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा समझना है, खुशी सी का भी आंसर क्या है, सी है। खुशी सी का आंसर क्या है, सी है। तो सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जिसे C60, इसका स्ट्रक्चर क्या है, C60 दोस्तों, ठीक है। फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो C60 इसका स्ट्रक्चर है, और यह एक कौशल कुमार का आंसर क्या है, सी है। तो सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हम लोग कह सकते हैं C60 ये फ्लोरीन का कह सकते हैं यह फॉर्मूला है, और इसकी जो स्ट्रक्चर, इसकी संरचना है वह क्या है, फुटबॉल के समान होती है, एक ग्लोब के समान होती है। क्या होती है, ग्लोब के समान होती है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर सी क्या है, एकदम क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न बोलते हैं, एक बार सभी क्या किए, सेशन को लाइक कीजिए, ठीक है, सेशन को एक बार आप सभी लाइक कीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है, बहुत ही प्यारा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है, ठीक है। दोस्तों एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है। चलिए तो कार्बन का अपरूप नहीं की बात किया जा रहा है दोस्तों, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, चलिए तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर विनीत कुमार का आंसर क्या है, डी है। बहुत अच्छा। मोतीलाल जी का आंसर क्या है, डी है। बहुत अच्छा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि डी यहाँ पे क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है। अब क्या कंडीशन है समझना है, देखिए कोयला जो है ये कार्बन का अपरूप नहीं है, ठीक है, कोयला है जो कार्बन का अपरूप नहीं है, बल्कि कोयला में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, लेकिन ये कहना गलत है। रफ्तार यादव का भी आंसर क्या है, डी है, जो कि डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा। खुशी सिंह का भी आंसर क्या है, डी है, डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। मोतीलाल जी का भी आंसर क्या है, डी है, डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कोयला है, कोयला कार्बन का अपरूप नहीं है, बल्कि कोयला में कार्बन की मात्राएं पाई जाती है, ठीक है, कोयला में कार्बन की प्रतिशत पाई जाती है, ठीक है। कार्बन के आधार भी बताया था कि कौन कोयला कितना अच्छा कोयला है, वो कार्बन की उपस्थिति के आधार पर ही बता दिया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को बताते हम लोग, कार्बन का एक डैश अपरूप कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। चलिए नॉर्मल सा प्रश्न दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न हम लोग एक बार देख चुके हैं। बताना है कि कार्बन का किस अपरूप है जो कार्बन परमाणु के एक फुटबॉल के स्ट्रक्चर के रूप में व्यवस्थित होता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, किसकी बात यहां पे किया जा रहा है, किसका स्ट्रक्चर एक फुटबॉल की समान होती है। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर विनीत कुमार का आंसर क्या है, C60। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो C60 यहां पे क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि कार्बन C60 का जो स्ट्रक्चर है यह क्या है, फुटबॉल के समान है, फुटबॉल के समान है। इसी को क्या कहा जा रहा है, सर पूरे भारत में आप बहुत जल्दी छाइएगा, एकदम आपका अगर आशीर्वाद है तो एकदम जबरदस्त से छाएंगे, ठीक है, मेरा मेहनत रहेगा और आपका सपोर्ट रहेगा तो अवश्य हम क्या करेंगे, छाएंगे, बस आप सबका आशीर्वाद है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन डैश के अपरूप में कार्बन परमाणु को फुटबॉल के आकार के व्यवस्थित है। तो ये C60 परमाणु का जो फुटबॉल के आकार में क्या होती है, संरचित व्यवस्थित होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फुलरीन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फुलरीन कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फुलरीन कहते हैं। अभी जो फुलरीन इसका नाम पड़ा, फुलरीन क्या थे, साइंटिस्ट है, बंकमिस्टर फुलरीन के नाम पर इसका क्या हो गया, फुलरीन
बढ़ गया, तो आप हमेशा याद रखिए जो C60 है या क्या फुटबॉल के स्ट्रक्चर के रूप में, क्या है फुटबॉल के स्ट्रक्चर के रूप में, बहुत अच्छा। राजेश पासवान का आंसर अच्छा, थोड़ा सा इसमें दिक्कत है दोस्तों, डॉक्यूमेंट। चलिए तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि फ्लोरीन है, क्या है फ्लोरीन है, मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है सर एकदम, थैंक यू विनीत कुमार। चलिए बहुत अच्छा, चलिए देखिए फ्लोरीन की हम लोग बात करें तो बंक मिस्टर फ्लोरीन क्या थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कार्बन के अपरूप C60 का क्या किया खोजा, और उन्हीं के नाम पर क्या नाम उसका पड़ गया फ्लोरीन पर गया, और जिसकी संरचना है वह क्या होती है फुटबॉल की समान होती है। और बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न दोस्तों, यह प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलता होगा यदि आप कोई भी चीज का सेट मारते होंगे। कहां पे हम दोस्तों, फ्लोरीन से किसका प्रूफ है, ये नहीं हुआ था अभी, कार्बन का हाँ यहां पे थे हम शायद कार्बन, चलिए कहां पे थे हम लोग, हाँ यहां पे थे ठीक है, हम लोग कहां पे थे यहां पे थे दोस्तों ठीक है। तो C60 यहां पे क्या था इसका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन सी यहां पे क्या था इसका करेक्ट आंसर हो जाता ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत, अगला प्रश्न यहां पे कह रहा है कि सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत क्या है, प्रश्न यहां पे सिंपल सा है, बस कह रहा है कि सीसा पेंसिल में सीसा का क्या प्रतिशत है, तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर खुशी सी का आंसर क्या है 70। चलिए अच्छा, इसके पहले वाला क्वेश्चन का सी आंसर था बहुत अच्छा, तो सी वहां पे क्या था करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न की बात हम लोग कर रहे हैं, सीसा पेंसिल में शीशे के क्या प्रतिशत है, विनीत कुमार का आंसर क्या है सी है। चलिए तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि सीसा पेंसिल में है जो कह सकते हैं उसकी प्रतिशत है वह क्या है 0%, क्या है शीशा प्रतिशत में शीशा ही नहीं होता दोस्तों, यह बात कर रहा है ग्रेफाइट की, किसकी बात कर रहा है ग्रेफाइट की बात कर रहा है ठीक है, यह ग्रेफाइट की बात कर रहा है ठीक है, यह ग्रेफाइट की बात कर रहा है, इसमें शीशा नहीं होता है ठीक है, शीशा इसमें नहीं होता है, तो हम लोग कहते हैं 0% यहां पे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, खुशी सीखा यहां पे 0 आंसर आ रहा था जो कि यहां पे क्या था करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा। विनीत कुमार का आंसर क्या है 0 है, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, तो हम लोग कह सकते हैं यहां पे 0 यहां पे क्या होगा करेक्ट होगा, शीशा पेंसिल पर हम ग्रेफाइट को ही कह रहे हैं ठीक है, ग्रेफाइट का ही नाम यहां पे कह रहा है शीशा पेंसिल कह रहा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है विनीत कुमार, सॉरी सर कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हम लोग, कोई बात नहीं विनीत, अगले प्रश्न में बढ़ते हम लोग, डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं किससे बंधे होते हैं जो एक षटकोणीय व्यूह रचना प्रदान करती है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट यहां पे कह रहा है कि किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं जो एक षटकोणीय व्यूह रचना प्रदान करता है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, हम लोग कह सकते हैं एकदम नॉर्मल प्रश्न है, हम लोग कह सकते हैं हमेशा आपको याद रखना है कि अगर 3 परमाणु जुड़ा हुआ है ठीक है, 3 परमाणु से अगर जुड़ा हुआ है तो वह हमेशा ग्रेफाइट की बात करेगा ठीक है, कार्बन अगर रहेगा 3 परमाणु की बात करेगा तो वह ग्रेफाइट की बात करेगा ठीक है, ग्रेफाइट की बात करेगा, अगर 4 परमाणु है क्या है, अगर चार परमाणु से जुड़ा रहेगा तो वह हमेशा किसकी बात करेगा दोस्तों, हीरा की, किसकी बात करेगा हीरा की बात करेगा ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर विनीत कुमार का आंसर क्या है डी है, बेंजीन कहना क्या है गलत है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6 होता है और H6 होता है ठीक है, C6 होता है H6 होता है, तो यह कहना गलत है ठीक है, यह क्या है 6 अन्य कार्बन परमाणु से क्या होती जुड़ा आती है, तो यह कहना गलत है ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर ग्रेफाइट है क्या है, जो ग्रेफाइट है वह क्या होती है 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ के एक षटकोणीय क्या करती है संरचना बनाती है, जो कि खुशी सी का आंसर क्या था बी था, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, बी यहां पे क्या है करेक्ट आंसर है ठीक है, बस खुशी सी का यहां पे आंसर बी आ रहा था बहुत अच्छा, तो बी यहां पे क्या है करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग, डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणुओं 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना निर्माण करती है, चलिए ध्यान देना यहां पे कह रहा है पे क्या त्रिआयामी संरचना, किसकी बात कर रहा है पे त्रिआयामी, राजेश पासवान का भी आंसर बी है बहुत अच्छा, तो बी यहां पे क्या था करेक्ट आंसर है, ग्रेफाइट क्या था करेक्ट आंसर है बहुत अच्छा ठीक है। अगला प्रश्न की हम लोग बात कर रहे हैं कि डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य ठीक है, यहां पे ध्यान देना है 4 अन्य कार्बन परमाणु ठीक है, 4 अन्य कार्बन परमाणु, चलिए बहुत अच्छा, तो 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होती है, तो राजेश पासवान का बी है, कौशल कुमार का आंसर बी है बहुत अच्छा, हम लोग कह सकते हैं डायमंड, ये किसकी बात कर रहा है डायमंड की, तो हीरा
हीरा क्या है दोस्तों, चार अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होती है, और ग्रेफाइट होती है वह क्या होती है, तीन अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। चलिए बहुत अच्छा, खुशी सी का भी आंसर क्या है, बी है, तो बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है दोस्त। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग, और ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट क्या है, तीन परमाणु से जुड़ता है, ठीक है, तीन अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ता है, ठीक है, परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा। राजेश पासवान उनका भी आंसर क्या है, बी है, तो बी क्या था यहाँ पे, करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग, कार्बन का कौन सा प्रूफ जियोडेसिक ग्लोब, ठीक है, जियोडेसिक ग्लोब के रूप में होता है, चलिए ध्यान देना, ग्लोब के रूप में, ठीक है, जियोडेसिक ग्लोब के, भूगर्भीय ग्लोब के रूप में होती है। सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, तो बताना इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। खुशी सिंह का आंसर क्या है, फ्लोरीन है, बहुत अच्छा, सबसे पहले कमेंट आ रहा है किसका, खुशी सिंह का है, तो ये यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है, खुशी सिंह का आंसर यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। उसके बाद आंसर किसका है, कौशल कुमार का है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है एकदम, क्या है, हाँ चलिए हाँ ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हम लोग, फ्लोरीन इनमें से किसका अपरूप है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, फ्लोरीन किसका अपरूप है, अब तो इसका उत्तर आप आराम से इसका दे सकते हैं दोस्तों, अब ये सब प्रश्न आपके लिए नॉर्मल प्रश्न है, बताना फ्लोरीन किसका है, फ्लोरीन किसका अपरूप है। राजेश पासवान का आंसर क्या है, हाइड्रोजन, मिस्टेक हो रहा है दोस्त, ठीक है, मिस्टेक हो रहा है, ध्यान देना है। चलिए अगर आप इस सेशन में शुरू से अभी तक है तो दोस्तों, तो इसका उत्तर आपके एकदम क्या कीजिएगा, 100% श्योर है कि आप सही उत्तर दीजिएगा, फ्लोरीन किसका अपरूप है, बताना। खुशी सी का आंसर क्या है, डी है, बहुत बढ़िया, खुशी सी का जो डी आंसर है, जो यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि कार्बन का अपरूप है, तो हम लोग यही तो पढ़ रहे थे आज के टॉपिक में, हम लोग कवर किस, आज के टॉपिक में हम लोग कवर नॉर्मली किसको किए हैं, कार्बन के अपरूप को किए हैं, तो कार्बन का जो अपरूप था एक क्या था, हीरा था, एक क्या था, ग्रेफाइट है, एक क्या है, ग्रेफाइट है, और उसके बाद एक क्या हम लोग कवर किए, एक ग्रेफीन को, ठीक है, और उसके बाद हम लोग कवर किए किसको, फ्लोरीन को, यही तो चार टॉपिक आज हम लोग का, इसी पे तो हम लोग का पूरा क्या था, हम लोग का प्रश्न था, ठीक है। राजेश पासवान का आंसर क्या है, डी है, विनीत कुमार का आंसर क्या है, डी है, कौशल कुमार का आंसर डी है, डी यहाँ पे क्या है, सही उत्तर है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। रफ्तार यादव का भी आंसर यहाँ पे क्या है, डी है, तो डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि कार्बन का अपरूप हीरा है, ग्रेफाइट है, ग्राफीन है और फ्लोरीन है, ये सभी इसी का क्या है, अपरूप है दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है, सिंपल सा प्रश्न है, बताना है कि कौन इसमें से कार्बन का अपरूप है, ठीक है, कार्बन का इनमें से कौन अपरूप है, कार्बन का है दोस्तों, नॉर्मल सा प्रश्न यहां पे है। खुशी सी का आंसर क्या है, डी है, सबसे पहला जो आंसर आ रहा है वो किसका आ रहा है, खुशी सी का आ रहा है, तो डी यहां पे क्या है, करेक्ट आंसर है। हम लोग कह सकते हैं कार्बन किसका, कार्बन जो है, कार्बन का अपरूप वो कौन है, हीरा है, क्या है, हीरा है, क्या करेक्ट है। कौशल कुमार का आंसर क्या है, डी है, रफ्तार यादव का भी आंसर डी आ रहा है, विनीत कुमार का भी आंसर डी आ रहा है, तो डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब टॉपिक थोड़ा सा क्या हो रहा है दोस्तों, चेंज, अब हम लोग कवर करेंगे धातुएं, धात्विक यौगिक एवं उनके अनुप्रयोग, ठीक है। अब हम लोग जो टॉपिक में एंटर कर रहे हैं वो क्या, धातु, इसके पहले वाला टॉपिक वो क्या था, अधातु था, तो अधातु में क्या थी, कार्बन हम लोग कार्बन को कवर किया, हाइड्रोजन को कवर किए, तो उसमें हम लोग अधातु में थे। अब हम लोग इंटर करेंगे इसमें धातु है, धातु से क्या क्या प्रश्न बनता है। कौशल कुमार का आंसर क्या है, डी है, डी है। चलिए एक बार हम लोग प्रश्न को हम एक बार पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, ठीक है, NaOH की बात कर रहा है, कौन इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैसे कहीं में उपयोग नहीं है। चलिए राजेश पासवान का, कौशल कुमार का आंसर डी है, डी है। चलिए एक बार जानने का प्रयास करते हैं, इसका उपयोग साबुन और नहीं की बात, इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में क्या होता है, हाँ एकदम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या है, सही है, ठीक है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका डिटर्जेंट बनाने में क्या होता है, इसका उपयोग कागज के बनाने में क्या होता है, एकदम सही है। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या होता है, ये कहना गलत है दोस्तों, ठीक है, ये कहना गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अस्थायी कठोरता दूर करने में नहीं किया जाता है, बल्कि धोबन सोडा का Na2CO3 का उपयोग किया जाता है, किसमें, अस्थायी कठोरता को दूर करने में, तो यह ऑप्शन कहना क्या है, गलत है। और पूछा जा रहा है किसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है, तो ये जो ऑप्शन तीन है, स्टेटमेंट तीन है, यह उपयोग नहीं है। चलिए तो हम लोग कह सी, कौशल कुमार का क्या है, सी है,
खुशी सी का आंसर क्या है, सी है, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, तो सी यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी जो ऑप्शन है वो क्या है सही है, ठीक है, तो सी यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। जल की जो अस्थायी कठोरता है ठीक है उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है करेक्ट है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न कहता है कि धोबन सोडा, ठीक है धोबन सोडा मतलब Na2CO3 × 10H2 की बात कर रहा है, ठीक है धोबन सोडा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, सही की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है कि धोबन सोडा के बारे में कौन सा कथन सही है, चलिए नॉर्मल सा प्रश्न यहाँ पे है। उत्तम कुमार हेलो सर, हेलो उत्तम, चलिए ध्यान देना उत्तम यहाँ पे अगला प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना, अभी हम लाइब्रेरी में है, अच्छा बहुत अच्छा, खूब लगे रहिए सर जी, अच्छा चलिए सभी, तो ये सभी आपका, आप सभी का आशीर्वाद होगा, ठीक है चलिए खुशी सिंह का आंसर क्या है डी है, क्या है यहाँ पे कांच के निर्माण के लिए धोबन सोडा का उपयोग किया जाता है, अच्छा यहाँ पे धोबन सोडा का उपयोग की बात किया जा रहा है, बहुत अच्छा, तो डी यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि जो धोबन सोडा होती है उसका उपयोग किसने किया था, कांच के निर्माण के लिए धोबन सोडा का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। बाकी ये जो कह सकते हैं कि धोबन सोडा मेमजी सेतु ये कहना गलत है, उत्तम उत्तम कुमार आप कहां गए, अच्छा रवि सिंह सर जी पीडीएफ मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा, अवश्य मिलेगा पीडीएफ आपको, अगर पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, ठीक है टेलीग्राम चैनल है जो हम लोग का, ठीक है उस पर आपको ज्वाइन करना है, तो आरोही कॉम्पिटेटिव क्लासेस हम लोग का क्या है टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप पर्सनली नीतीश सर से आप क्या कीजिए बात कीजिए, आप पीडीएफ वहां से आप ले लीजिए, ठीक है रवि सिंह कोई दिक्कत है। रफ्तार यादव का आंसर क्या है डी है, डी यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा ठीक है, तो डी यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। कौशल कुमार का भी आंसर डी था, खुशी सिंह है उनका भी आंसर डी था, रफ्तार अच्छा ये तो हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है, अगले प्रश्न की बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन है जो बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है, चलिए तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर बेकिंग सोडा की बात कर रहा है मतलब किसकी, NaNaHCO3 ठीक है NaHCO3 की बात कर रहा है यहाँ पे बेकिंग सोडा का, अच्छा निम्नलिखित से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है, बेकिंग पाउडर बनाने में ठीक है ये तो है, प्रत्यम्ल में एक घटक रूप में ये भी है दोस्तों ठीक है, व्यंजक क्रिया में सोडा एसिड अग्निशामक में, चलिए बताना है विनीत उत्तम कुमार के यहाँ पे क्या है सी है, तो हम लोग कह सकते हैं सी यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा उत्तम कुमार बहुत अच्छा ठीक है, तो सी यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, विरंजक क्रिया में इसका उपयोग नहीं होती है ठीक है, बेकिंग सोडा है उसका उपयोग विरंजक क्रिया में नहीं होती है ठीक है, विरंजक क्रिया में होता है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है विरंजक क्रिया में, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, बाकी सोडा एसिड अग्निशामक में क्या होती है इसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। खुशी सी का आंसर क्या है सी यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया ठीक है। चलिए उत्तम कुमार का भी आंसर सी आ रहा था, सी यहाँ पे क्या था करेक्ट आंसर था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, धोबन सोडा की प्रकृति कैसी होती है, प्रश्न यहाँ पे सिंपल सा है, चलिए कौशल कुमार सॉरी सर कोई बात नहीं कौशल, बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है, अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान देना है ठीक है, धोबन सोडा की प्रकृति कैसी होती है, अब यहाँ पे कह रहा है कि धोबन सोडा है बासिंग सोडा है वह कैसा है, विनीत कुमार सॉरी सर कोई बात नहीं विनीत कुमार फिर से वही डायलॉग रिपीट करेंगे ठीक है, बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है, धोबन सोडा की प्रकृति कैसी होती है, उत्तम कुमार का आंसर क्या है बी है, खुशी सिंह का आंसर क्या है बी है, चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं क्या बी करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, विनीत कुमार का आंसर क्या है बी है, तो एक बार हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि क्या धोबन सोडा की जो प्रकृति वो सच में क्या उदासीन है, एक बार हम लोग जानते हैं उदासीन हम लोग कहते हैं किसे, उदासीन हम लोग उसे कहते हैं, अब इस समय धोबन सोडा किसकी बात कर रहा है, ये जो बासिंग सोडा होती है इसका होती है जैसे मान लीजिए कुछ भी सर्फ एक्सल ठीक है सर्फ एक्सल मान लीजिए या फिर कोई भी साबुन मान लीजिए डिटॉल मान लीजिए ठीक है साबुन मान लीजिए, ये सभी किसमें आती है धोबन सोडा बासिंग सोडा में सभी आती है ठीक है, ये सभी किसमें आती है ठीक है ये सभी किसमें आती है, तो क्या इन सभी की जो कैसे ना प्रकृति नेचर क्या इन सभी का क्या है उदासीन है न्यूट्रल है, क्या ये सभी न्यूट्रल है, उदासीन हम किसको कहते हैं ना जो ना कह सकते हैं जो ना क्षारीय और जो ना एकदम भस्मीय हो जैसे क्षार जो ना कड़वा ठीक है कड़वा जो ना हो ना जो खट्टा हो ठीक है जो ना खट्टा हो जो ना कड़वा उसे हम लोग उदासीन कहते हैं ठीक है, जैसे पानी पानी क्या है दोस्तों क्या खट्टा लगता है या कड़वा लगता है पानी
पानी का कोई टेस्ट नहीं है, वाटर क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है। अब आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर बहुत बढ़िया, खुशी सीखा, सॉरी सर डी, कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए, खुशी सीखा आंसर डी है, कौशल कुमार का आंसर डी है, विनीत कुमार का आंसर क्या है, डी है, विक्की रॉय का भी आंसर क्या है, डी है। तो डी यहाँ क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। धोबन सोडा की जो प्रकृति होती है क्या होती है, एकदम क्षारीय होती है, क्या होती है, क्षारीय होती है, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग कहते हैं उदासीन हम लोग किसे कहते हैं, जिसका कोई टेस्ट ना हो, ठीक है, जैसे पानी, पानी का क्या कोई टेस्ट है, जैसे खीरा। अभी क्या है दोस्तों, खीरा का जो सीजन है, खीरा का जो सीजन है दोस्तों, खीरा भी किसमें आता है, उदासीन में आता है। खीरा किसमें आता है, उदासीन में आता है, ठीक है, खीरा भी किसमें आता है, उदासीन में आता है। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, तो खीरा का कोई टेस्ट नहीं है। अब यहाँ पे भाई धर्मी कह सकते हैं, जैसे अम्लीय की अगर हम बात करें तो अम्लीय क्या होती है, स्वाद में खट्टा होती है। जैसे नींबू, नींबू क्या दोस्तों, अम्लीय होगा, क्या होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। अगले प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, एरोड्राम से हो, एकदम हाँ एरोड्राम से है। चलिए, विक्की कुमार, अच्छा विक्की रॉय। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि मधुमक्खी के डंग से होने वाले दर्द, ठीक है, मधुमक्खी के जो डंग से जो दर्द होता है, जो पेन होता है, से राहत पाने के लिए, उससे रिलीफ पाने के लिए इनमें से किस रसायन को लगाया जा सकता है। बहुत ही प्यारा और कह सकते हैं कि बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है और बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है। कह रहा है कि मधुमक्खी के डंग से रिलीफ पाने के लिए, राहत पाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया। साहेब हुसैन का आंसर क्या है, बी है। चलिए, NaHCO3, बहुत अच्छा। साहेब हुसैन का आंसर क्या है, NaHCO3। कौशल कुमार का आंसर क्या है, बी है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। विक्की रॉय का आंसर क्या है, बी है। उत्तम कुमार का आंसर क्या है, सी है, कैल्शियम सल्फेट। यह कहना क्या है, गलत है। खुशी सी का, चलिए, कौशल कुमार के यहाँ पे क्या है, सी है, सी कहना गलत है, ठीक है, सी है, SO4 कहना गलत है। हम लोग कह सकते हैं कि जो डंक से उसको छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, NaHCO3 क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सही है, बेकिंग सोडा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से डैश को सुमेलित, अच्छा सुमेलित यहाँ पे करना है, यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या है, कास्टिक सोडा है, बेकिंग सोडा और क्या है, धोबन सोडा। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला इसका दिया गया है, अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है, ठीक है। चलिए, कास्टिक सोडा की हम बात करें दोस्तों, धोबन सोडा यहाँ पे, चलिए तो यहाँ पे बताना है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, साहेब हुसैन का आंसर क्या है, ए, वन का सी, सेकंड का ए, थर्ड का बी। चलिए, वन का सी, चलिए सेकंड का ए, बेकिंग सोडा यहाँ पे है, और यहाँ पे धोबन सोडा यहाँ पे क्या है दोस्तों, थर्ड का यहाँ पे क्या है, बी है। चलिए, साहेब हुसैन का यहाँ पे क्या, ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। विक्की रॉय है, उनका भी आंसर क्या है, ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। विनीत कुमार है, उनका भी आंसर क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सभी का आंसर यहाँ पे ए आ रहा है। खुशी सिंह है, उनका भी आंसर क्या ए है। कौशल कुमार, उनका भी आंसर है, बोलो ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, ठीक है। उत्तम कुमार का आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। बी कहना क्या है, एकदम गलत है, गलत है, उत्तम ध्यान देना है। चलिए, अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि कथन स्टेटमेंट दिया गया, हम लोग को बताना है सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। चलिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2H2O। चलिए, बताना है कि ये क्या सही है, बताना है। चलिए, उसके बाद कहता है, बेकिंग सोडा का उपयोग खिलौने और सजावटी सामान बनाने में तथा सतहों को चिकना करने के लिए किया जाता है दोस्तों। क्या ये दोनों स्टेटमेंट क्या सही है? चलिए, साहेब हुसैन का आंसर क्या है, ए, दोनों कथन असत्य है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा, उत्तम कुमार। चलिए, हम देखिए, साहेब हुसैन का आंसर क्या है, ए है। चलिए, बहुत अच्छा, तो ए यहाँ पे खुशी सीखा भी आंसर क्या है, ए है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हम लोग कह सकते हैं ये दोनों का दोनों जो कथन है यह क्या दोस्तों, गलत है। क्या है, गलत है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, दोनों कथन यहाँ पे क्या है, असत्य है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। हम लोग कहेंगे, आप समझना कंडीशन क्या होना है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2H2O कहना क्या है, गलत है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaNaHCO3, ठीक है, NaHCO3 क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। अगला ऑप्शन कहते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग खिलौने और सजावटी बनाने में तथा सब, ये कहना गलत है, ठीक है। बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं किया था, जिसमें धोबन सोडा का उपयोग किया था, ठीक है, धोबन सोडा का। क्लियर है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ये क्या कहते हैं, अगले पेज क्या बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, जाना है, सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्बल खाद अम्ल का मिश्रण डैश कहलाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न यहाँ पे है, कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है,
सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्बल खाद अम्ल है, उनका जो कह सकते हैं मिश्रण है वह क्या कहलाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, चलिए यहां पे उत्तर देने का प्रयास करना है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, और एक दुर्बल अम्ल है, उनका मिश्रण क्या कहलाता है, यह पूछा जा रहा है। बहुत ही प्यारा सिंपल प्रश्न है। साहेब हुसैन का आंसर क्या है? सी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर सी यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग बेकिंग सोडा किसी बात कर रहा है, जो बेकिंग सोडा की बात कर रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा AR D। चलिए बेकिंग, चलिए विनीत कुमार का कहना है यहाँ पे क्या, A और C। चलिए हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे बेकिंग सोडा और बेकिंग, अच्छा दोनों का ऑप्शन सेम है, तो बहुत बढ़िया। चलिए सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर। एक होता है कैसे बेकिंग पाउडर, एक होता है एक बेकिंग सोडा होता है, तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? बेकिंग पाउडर में डिफरेंस थोड़ा सा, बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे दोनों हो सकता है, बहुत बढ़िया, ठीक है, दोनों यहाँ पे होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, ये भी होगा, विनीत कुमार का कहना है ये भी होगा, एकदम होगा, बहुत बढ़िया। उत्तम कुमार का सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है? अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्न से कौन यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है, NaOH है, उसका उपयोग यहाँ पे नहीं है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि कौन इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है, यह पूछा जा रहा है। बहुत ही प्यारा, मतलब कैसे सिंपल सा प्रश्न है। साहिब हुसैन का आंसर क्या है? बी है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो मिष्ठान है, ठीक है, मिठाई बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, इसका कोई कनेक्शन नहीं, मिष्ठान बनाने से सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोई कनेक्शन नहीं है। खुशी सिंह का आंसर क्या है? बी है। चलिए बहुत, कौशल कुमार का आंसर क्या है? बी है। विनीत कुमार का आंसर क्या है? डी है। क्या? डी, धातु के ड्री ग्रीसिंग में नहीं, ठीक है, डी कहना गलत है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन मिठाई बनाने में इसका कोई कनेक्शन नहीं है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक, क्लियर है दोस्तों, बहुत अच्छा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः डैश में नहीं किया जाता है। अब यहां पर अगला प्रश्न कह रहा है कि कास्टिक सोडा है उसका उपयोग डैश में नहीं किया जाता है, किसमें नहीं किया जाता है, प्रश्न यहां पे यह पूछा जा रहा है। कास्टिक सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता पूछ रहा है, ध्यान दे रहा है यहां पर दोस्तों। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि कास्टिक सोडा है उसका उपयोग किसमें नहीं किया जाता है, उत्तर देने का यहाँ पे प्रयास करना है, नॉर्मल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। साहेब हुसैन का डी है, बहुत बढ़िया, तो डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा, साहेब हुसैन का बहुत अच्छा आंसर आता है, बहुत बढ़िया। खुशी सिंह का यहाँ पे आंसर क्या है? बी है, डिटर्जेंट उद्योग में, ठीक है, ये कहना क्या है, गलत है, ठीक है, डी होगा, ठीक है। अमोनिया निर्माण में क्या होती है? अमोनिया निर्माण में हम लोग कह सकते हैं कि कास्टिक सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। ज्ञानी भराना का आंसर क्या है? डी है, तो डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो आज का सेशन हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, टाइम हम लोग का ओवर हो चुका है, ठीक है, टाइम हम लोग का क्या हो गया, ओवर होगा। तो आज हम लोग क्या कहें, 1195 क्वेश्चन तक आज हम लोग क्या कहें, कवर किए, और कल का जो सेशन होगा वो हम लोग क्या, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे दोस्तों। एक बार फिर से समझ लीजिए, हम लोग का जो टाइमिंग है वह क्या है, 7 PM, क्या है, 7 PM दोस्तों, ठीक है। तो डेली 7 बजे क्या रहिए, एकदम क्या रहिए, तैयार रहिए, रेडी रहिए एकदम हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों, ठीक है, और पढ़ाइए ना सर, टाइम ओवर हो गया है, ठीक है, जाना भी होता है तो थोड़ा सा ज्यादा रात हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं आज का सेशन लोग यहीं पे रहते हैं, ठीक है, चलिए। तो एक बार क्या कीजिए, नाइस, विनीत कुमार, नाइस क्लास सर, चलिए बहुत अच्छा, चलिए। तो एक बार क्या कीजिए, आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सेशन जो लाइव सेशन होते हैं उसको थोड़ा सा आप क्या कीजिए, शेयर कर दिए, क्या कीजिए, शेयर कर दिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सके, और जितना ज्यादा स्टूडेंट रहेगा दोस्तों उतना ज्यादा आपको एकदम मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, और उतना ज्यादा एनर्जी के साथ हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन को क्या करेंगे, एकदम क्या करेंगे, इसको डील करेंगे, ठीक है, क्लियर है। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट टू यू, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग क्या करते हैं, यही रह जाते हैं, ठीक है। तो आज की सेवा बस यहीं तक है, और हम लोग का जो सेशन है वो क्या रहेगा, डेली 7 बजे से रहता है, तो डेली 7 बजे एकदम क्या जुड़ना ना भूले दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं अगले लाइव सेशन में, तब तक के लिए गुड नाइट।